यार स्नीकर से बहुत इन्फो दे चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। अब बारी है डेट्स और पार्टीज पे एकदम क्लासी स्टड दिखने वाले शूज की। आज की वीडियो लोफर्स। बट आपको नहीं पता कि ये क्या है, किस टाइप के लोफर्स किस जगह पे पहने, किस टाइप के लोफर्स किस टाइप के कपड़ों के साथ पहने, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लोफर्स पहन के क्लासी कैसे दिखे और टिकटॉकर नहीं। What's up bro, welcome or welcome back to Be Your Best। मैं हूं सैन कालरा एंड इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट लोफर्स। पूरी लोफर साइंस समझा दूंगा मैं आपको। लोफर्स में अंकल की तरह दिखना अवॉइड करना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी के अभी सब्सक्राइब दबाओ फॉर टू न्यू वीडियोस एवरी वीक। सबसे पहली बात ये कि लोफर्स होते क्या हैं? ये होते हैं स्लिप ऑन सेमी फॉर्मल शूज। स्लिप ऑन का मतलब है कि ये बिना लेसेस के आपके पैरों पे फिट हो जाते हैं, एंड सेमी फॉर्मल मतलब कि ये ना ही इतने फॉर्मल हैं कि आप किसी मीटिंग में पहनो, एंड ना ही ये इतने कैजुअल हैं कि आप इसे डेली कॉलेज में पहनो। तो ये पार्टीज, डेट्स, फंक्शंस, वेडिंग्स वगैरह सबके लिए बेस्ट है। एंड किसी भी स्टाइल के लोफर्स को अगर आप सही तरीके से स्टाइल करोगे ना तो 100% आप एकदम स्टड दिखोगे, ये मेरी गारंटी है। एंड लड़कियों को तो लोफर्स बहुत पसंद आते हैं लड़कों को। अब इसके टाइप्स होते हैं, पहला तो टैसल लोफर। टैसल लोफर मतलब आगे ये कीबोर्ड साफ करने वाला ब्रश लगा होता है। दूसरा पेनी लोफर, जिनपे एक सिक्का या कॉइन रखने की ऐसी जगह सी बनी होती है। हॉर्स बिट लोफर्स, जिनपे वो बेल्ट जैसा एक बकल बना हुआ होता है। और मॉक लोफर्स, जो कि एक्चुअल में स्लिम नहीं होते और उनके आगे की जो स्टिचिंग होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप 30 ईयर से कम एज के हो ना तो हॉर्स बिट और मॉक लोफर्स ये मत पहनना, क्योंकि वो ना थोड़े से अंकल लोग पहनते हैं। लोफर्स में सबसे कॉमन मटेरियल होते हैं लेदर, स्वेड और सिंथेटिक। लेदर का मतलब होता है वो मम्मी का जो पर्स होता है ना, बिल्कुल वैसे मटेरियल वाला। एंड स्वेड का मतलब हो गया कि वो जैसे किसी पपी के ऊपर आप हाथ फेरोगे ना तो जो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, वैसा ही स्वेड मटेरियल होता है। एंड सिंथेटिक होता है बिल्कुल वाहियात, मत लेना कभी भी, बहुत चीप लगता है। मतलब ले लो आपकी मर्जी है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेदर वाले क्लीन करने बहुत आसान होते हैं, सिंथेटिक वाले ठीक ठाक, और स्वेड वालों को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कलर्स तो सब आते हैं, लेकिन अगर आपको टिकटॉकर नहीं दिखना तो बिल्कुल भी कलर्ड वाले लोफर्स मत लेना, क्योंकि उनको ना अलग अलग आउटफिट्स के साथ पेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो जनरली ब्राउन लोफर्स ब्लैक कलर की पैंट्स के अलावा बाकी सब पैंट्स अच्छे लगते हैं, एंड ब्लैक लोफर्स ब्राउन कलर की पैंट्स के अलावा बाकी सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक और स्टाइलिंग ट्रिक ये है कि अगर आपकी पूरी आउटफिट थोड़ी सी डार्क है तो आप ब्लैक लोफर्स पहनो, एंड अगर पूरी आउटफिट थोड़ी सी लाइट है तो आप ब्राउन लोफर्स पहन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी सही फिट लेने के लिए आपको हमेशा एक साइज ना छोटा लेना चाहिए जो आप जनरली पहनते हो उससे, क्योंकि ताकि फिर जब आप चलोगे ना तो वो ऐसे ऐसे खुलेंगे नहीं। तो आजकल के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए आपको लेने चाहिए या तो टैसल लोफर्स या फिर पेनी लोफर्स। ब्लैक या ब्राउन या लाइट ब्राउन वगैरह कोई भी शेड में ले सकते हो, लेदर या स्वेड दोनों में से किसी भी मटेरियल में ले सकते हो जो आपको पसंद है। अब ब्रांड्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे होते हैं, मैं बताऊंगा ये अभी, लेकिन लोफर्स में ना क्वालिटी पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो मैं कहूँगा 2,500 के करीब एकदम सही स्पॉट है क्वालिटी और प्राइस को मैच करने का। यार जहाँ से भी ले रहे हो, जोन सा भी ले रहे हो, बस एक बात ध्यान में रखना कि आगे वाला पार्टनर नैरो होता रहे आगे जाके, लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम से चोंच निकल आए, और इतना कम भी ना हो कि एकदम ऐसे स्क्वायर सा लगे। और यार जो आपने समर शूज वाले वीडियो में मेरे को अपनी बजट बताई थी लोफर्स की, उन दोनों बजट्स के हिसाब से मैं कुछ अच्छे वालों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड इन्हीं से मैं आपको आउटफिट्स भी बना के दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि इनको आप स्टाइल किसके साथ करोगे। तो फर्स्ट स्टाइल है पोलो और चीनोस के साथ, जो कि अच्छी लगेगी लंच पे, डेट्स पे, ऑफिस में, कैजुअल फ्राइडेज में। अब अगर ब्लैक लोफर स्टाइल कर रहा हूं तो मैंने आउटफिट में पहना है ब्लैक पोलो और ग्रे चीनोस। याद रखो आप स्ट्रीट स्टाइल नहीं कर रहे हो तो आपके पोलो और आपके चीनोस की फिटिंग स्लिम फिट होनी चाहिए। एंड लोफर्स हैं स्वेड मटेरियल में, जो कि मुझे एक्चुअली ब्लैक लेदर से बेटर लगता है। अब अगर ब्राउन लोफर्स पहनोगे तो चीनोस भी आपको येलो या रेड या ग्रीन की किसी शेड में रखनी है, जैसे कि खाकी। और यहाँ पे मैंने अपनी खाकी चीनोस और टैन लोफर्स के साथ पेयर करी है एक वाइट पोलो शर्ट। बस मेक श्योर कि आप अपनी वॉच को अपने लोफर्स से मैच कर रहे हो। सेकंड स्टाइल है किसी शर्ट के साथ थोड़ी फॉर्मल वे में, जैसे कि किसी ऑफिस पार्टी के लिए या फिर वेडिंग रिसेप्शन के लिए। ब्राउन लेदर यहाँ पे एक बेटर चॉइस है क्योंकि ओकेजन थोड़ी फॉर्मल है। जैसे आप पेनी लोफर्स पहन सकते हो थोड़ी डार्क शेड में, जिससे कि वो ज्यादा चमके ना और क्लासी भी लगे। साथ में नेवी चीनोज, व्हाइट फॉर्मल शर्ट, और हाँ मैचिंग एक्सेसरीज मत भूलना। अब समर से ना लोफर्स के साथ आप नो शो सॉक्स पहनना, वो दिखती भी नहीं है लेकिन सॉक्स पहनना जरूरी भी है ताकि लोफर्स खराब ना हो। थर्ड स्टाइल है थोड़ी कैजुअल पार्टीज के लिए। तो अगर आपको जाना हो किसी आफ्टरनून टाइम की पार्टी में तो ये टैन कलर वाले टैसल लोफर्स पहनो। साथ में समर्स की कूल वाइब्स के लिए लिनन व्हाइट पैंट्स एंड लिनन मैरून शर्ट, बहुत ब्रीजी वाइब्स हैं इसके, एंड ये मेरी फेवरेट आउटफिट है। ब्लैक वाले लोफर्स कैजुअल पार्टी में स्टाइल करने के लिए ऊपर ब्लैक फ्लोरल शर्ट एंड साथ में व्हाइट लिनन पैंट्स, क्योंकि इनका लिनन लोफर्स का स्वेट
शेड के साथ बहुत क्लासी लगेगा। ये थोड़ी इवनिंग पार्टी के लिए काफी अच्छी आउटफिट है। अब लोफर्स को अगर आप थोड़ी विंटर्स में स्टाइल करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है फुल लेंथ सॉक्स के साथ और लेयरिंग करके, लेकिन वो थोड़ी ठंड हो जाए तब बनाऊंगा विंटर की लोफर स्टाइलिंग वीडियो। एंड अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा लोफर खरीदें सबसे पहले, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि डार्क ब्राउन कलर में टैसल लोफर खरीद लो। एंड अगर पसंद आया वीडियो तो अपना लोफर उठा के लाइक बटन पे मार दो एंड सब्सक्राइब करके हमारी बाकी वीडियो भी देखो। टू लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।